बिहार की कवियत्री हूँ, पर इस कुंभ क्षेत्र में आकर सबसे पहले संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश को हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतने खूबसूरत आयोजन में हिस्सा बनने का मौका दिया और हम सभी कवियों का मान और सम्मान रखा। और आप सभी को नमस्कार नमन, हर हर गंगे, तब माँ गंगे की चार पंक्तियाँ सुनिएगा कि यही तो आस गंगा है, यही विश्व वास गंगा है, यही तो आस गंगा है, यही विश्व वास गंगा है, जो पावन नीर में बसता वो अमृत खास गंगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पावन नीर में बसता वो अमृत खास गंगा है। और जहाँ नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है, जिस देश में, शायद दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ नदी को माँ का दर्जा दिया जाए, तब आगे की पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनेगा कि जो तीनों माँ का संगम है सजता कुंभ नगरी में, जो तीनों माओ का संगम है सजता कुंभ नगरी में, हमारी संस्कृति का ये सतत उल्लास गंगा है, हमारी संस्कृति का ये सतत उल्लास गंगा है, हमारी संस्कृति का ये सतत उल्लास गंगा है। मूलतः मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे तहसील हट्टा, जो कि दमोह जिला के पास है, वहाँ से आती हूँ, पर अभी मैं भोपाल में रह रही हूँ। मैं स्टेट आईटी सेंटर भोपाल में जीएसआई इंजीनियर के पद पर पदस्थ हूँ और वहाँ पर अपनी आईटी सेक्टर में इंजीनियर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और चूँकि कविता का क्षेत्र, जो कि हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति, जो गढ़ है हमारा, जब कहीं मैंने अपने आसपास अपने दोस्तों के साथ रह के वो माहौल देखा कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, वो भाव जो समाप्त हो रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं पर कहीं ना कहीं भाषाओं के प्रतिरोध से, तो मुझे मन में मेरे भाव जो प्रेषित करने के लिए एक जरिया मिला, वो मेरी मातृभाषा थी। तब मैं स्कूल समय से कविताएं लिखती थी, लेकिन शायद उस समय कवि सम्मेलन क्या होता है, मंच क्या होता है, मंचीय कविता क्या होती है, इनसे मैं दूर थी, क्योंकि स्कूल में स्कूली शिक्षा, या मैं कहूँ कि कॉलेज की जो शिक्षा स्तर है, वहाँ पर इन सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं दिया जाता। आर्ट्स के विषय में बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, आर्टिस्ट किस तरह अपने मुकाम को पा सकते हैं, वो स्कूली शिक्षा में नहीं दिया जाता। सो मेरा अनुरोध भी है इस चैनल के माध्यम से और कुंभ क्षेत्र के इस प्रांगण के माध्यम से, मैं कहना भी चाहती हूँ कि स्कूली शिक्षा और तमाम कॉलेजों में भी ये प्रथा बढ़ाई जाए कि बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ पाठ्यक्रम ऐसा हो, ताकि उनको अवसर मिले और उनको पता चले कि आखिर आर्टिस्ट या फिर कोई भी भाषा भी हमारा फ्यूचर बन सकता है। प्रेम पर जीत पाने को मैं चल पड़ी, प्रेम पर जीत पाने को मैं चल पड़ी, प्रेम सीमित भी था प्रेम विस्तार भी, प्रेम की राह में दुविधा है बड़ी, प्रेम की राह में दुविधा है बड़ी, प्रेम इस पार भी प्रेम उस पार भी। मैंने पुलवामा के इस आतंकी हमले पर एक पिक्चर जो मीडिया पे वायरल हुआ था वो देखा, और शायद पूरी रात वो देख के बेचैनी होती रही कि लोग कैसे ये कृत्य कर देते हैं। तब उनके इस घिनौने कृत्य को ललकारने का मन किया, तब चार पंक्तियाँ देती हूँ कि शासन के रखवालों से अब एक निवेदन मेरा है, शासन के रखवालों से अब एक निवेदन मेरा है, मौत का बदला मौत से लो, अब तभी नया सवेरा है। शासन के रखवालों से अब एक निवेदन मेरा है, मौत का बदला मौत से लो, अब तभी नया सवेरा है। और एक निवेदन जनता से है, क्योंकि जनता जनार्दन है, शासन कुछ नहीं। त,
तब उस जनता जो अपने कामों में व्यस्त थी, मीडिया पर बराबर से देखा देखी लेकिन अपने कामों में व्यस्त थी, वही रेस्टोरेंट खुले, वही उल्लास। कुछ लोगों में दर्द था जो, लेकिन दर्द सिर्फ कहना नहीं है, दर्द है अपने कृत्यों को रोकना, कि आप उनके दर्द को कैसे महसूस कर रहे हैं और आप कैसे अपने कृत्यों को रोक रहे हैं कि नहीं ये काम मैं आज नहीं कर सकती। तब वो दर्द कहती हूँ जनता से कि एक निवेदन जनता से कुछ अपने कृत्यों पर रोक करो, एक निवेदन जनता से कुछ अपने कृत्यों पर रोक करो, शहीद हुए जो उनकी खातिर एक दिन तो शोक करो। बहुत सुंदर, बहुत शहीद हुए जो उनकी खातिर एक दिन तो रोक करो। और एक वो उरी मामला आप सभी को ज्ञात होगा, तब कहती हूँ कि एक उरी मामला जो आप सभी को ज्ञात होगा, कहती हूँ कि एक उरी बस थम जाए ना, नित नए नाद जरूरी हैं, एक उरी बस थम जाए ना, नित नए नाद जरूरी हैं, मिटा के हस्ती खत्म करो अब यह इतिहास जरूरी है, मिटा के हस्ती खत्म करो अब यह इतिहास जरूरी है।